बट हाँ, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि हमारी पहली पहला सबसे पहला वीडियो आप लोग देख सके। किले में एंट्री भी नहीं की है बट ऊपर बना हुआ है तो यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा हो, यमुना मैया दिख, तो वो यमुना मैया है। और मेरे को जैसे एक दोस्त, मतलब वहाँ पर कहाँ पर गए थे अभी हम, जन्मभूमि, जन्मभूमि गए थे तो एक दोस्त ने कहा था कि वहाँ पे नहाने की भी जगह है, तो देखते हैं अंदर। देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू लग रहा है। ये है मथुरा, है ना, कंस किला। तो चलिए गेट आगे हैं। ये भाई बोल रहा है, हाँ उसको बोलूंगा देखो दिक्कत क्या था भाई, तू बता दे मेरे को आज। ये फोन पे बात कर रहा है और कंस, कंस भाई से आज, आज पूछेगा ये कि क्या दिक्कत थी कृष्ण भगवान से तुमको। देखो ये मथुरा, हाँ प्रभु, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, वो देखना है। तो गाइस ये किला है कंस किला, तो चलिए ऊपर चले। तो गाइस मैं बहुत अच्छी जगह आ चुका हूँ, मजा आ रहा है, बल्ले बल्ले। ये कंस किला है गाइस, और यहाँ से यमुना जी आपको दिखाता हूँ गाइस, बहुत बहुत ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है यहाँ से। हम गाइस यमुना जी है ना, बंदर बैठा गाइस, देखिए। तो गाइस यमुना जी हम दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तो गाइस यमुना जी पे हम पहुंच चुके हैं, ये यमुना मैया बह रही है गाइस। तो गाइस यहाँ से यमुना जी भी दिख रही है मस्त, तो काफी ऊपर बना हुआ है ये, बट अभी तो क्या हो कि कई भराव वराव भी हो चुका है तो काफ़ी नीचे भी हो चुका है। बट जब पहले जब यमुना मैया कृष्ण भगवान के समय में यमुना मैया यहाँ तक भी बहती होगी, काफ़ी ऊंचाई तक बहती होगी, अभी तो काफ़ी एक सीमित हो गया। तो ये सब गाइस लोग घूमने आए हैं, यूपी के रहने वाले हैं, बट यहाँ वृंदावन पास की पास में है क्या आपके घर से? जलालीगढ़ है। अच्छा जलालीगढ़ है, तो आप सब पहली बार आए कि काफी समय बाद? नहीं, यहाँ पे पहली बार आए। अच्छा पहली बार ही आए, क्या बात है, कैसा लग रहा है? बड़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, देख लिया गाइस। तो आप भी वृंदावन और मथुरा तो घूमने आए और कंस किला भी घूमने आए, काफी ऊंचाई पर बना हुआ है। तो वो भाई लोग आ रहे टोपी पहने हुए भाई, तो भाई लोग आपका नाम क्या? राहुल अत्री। राहुल अत्री, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल करना और सब्सक्राइब करना। तो हाँ गाइस, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आ चुके ना तो काफी एंजॉय कर रहे हैं सभी। टिंकू सोनारतिया, आओ गाइस, कौन है टिंकू? तो गाइस इसका नाम भी टिंकू, इधर आओ टिंकू भाई। अरे यार टिंकू भाई कहाँ घूम रहे हो? तो भाई ये इसका नाम भी टिंकू है, मेरा नाम भी टिंकू है, तो मेरा चैनल का नाम है टिंकू सोनारतिया, और ये इन्हीं सबके साथ आए हैं। तो चलिए गाइस एंजॉय करिए। हाँ हाँ, कम भीड़ है यहाँ पर और अच्छा लग रहा है, डिग्गी 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 डिग्गी, काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पर मतलब वॉइस भी मेरी गूंज रही है, वो काफ़ी पुराने पुराने यहाँ पर घर भी देखने को मिल जाएंगे, किले वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। देखिए सामने मेरे, मेरे सामने बहुत पुराना घर बना हुआ, देखिए दिख रहा है ना आपको गाइज। और ये बरगद का पेड़ गाइस, ऐसा लग रहा है कि कृष्ण भगवान इस शायद इधर भी आए तो पेड़ पर चढ़े होंगे और वहाँ से गोपियों के कपड़े चुराते होंगे, बट वो पेड़ तो उधर है वृंदावन तरफ। तो गाइस हम नीचे भी चलेंगे, देखिए गाइस ये पूरा कंस किला था बट अब कभी बना हुआ था पहले, तो जब कंस रहते थे तो बड़ा भी रोशन कह रहा था कि अगर अगर कंस जी रहते तो वो ज़रूर पूछता कि कृष्ण भगवान से क्या दिक्कत थी। ठीक है, हाँ हाँ गाइस मज़ा आ रहा है। तो गाइस खूब इंजॉय कर रहे हैं पर थक भी बहुत गया हूँ और गर्मी काफ़ी लग रही है गाइस, आंखें भी नहीं खुल रही है, देखिए
आंखें भी नहीं खुल रही है गाइस, बट काफी इंजॉय कर रहे हैं, डिंक चिका। तो गाइस कंस का किला घूम लिया था, फिर वहां से हम एक ऑटो लिया और वृंदावन आ चुके हैं। तो हम अभी वृंदावन के मतलब वृंदावन में ही हैं, बट यहाँ से हम पैदल जाएंगे, कुछ दूर पैदल चलेंगे तो बाकी बिहारी मंदिर और बहुत सारे मंदिर आ जाएंगे वहाँ पे। यमुना जी का भी यही रास्ता है, इसने बताया ये। तो ये दो महीने में एक बार आता रहता है, अभी 8 महीने में आया। जब हम सेकंड टाइम आए थे हम लोग यहीं पे आकर रूम लिए थे, अग्रवाल भवन। इसके लिए मेरे को पूरा मेहंदी है कि किधर है वो। अच्छा तो यहीं लेंगे अपन। ना बाबा किधर लेंगे। अच्छा बाबा पहचान वाले अपने। कितनी दूर है? 10 मिनट लगेगा। तो गाइस यार बड़ा है ना, थक चुके हैं ना, तो वॉइस भी ऐसी मरी मरी आती है। इतना बैग उठा के रखा है हमने और उसके बावजूद फिर इतना पैदल चलना। तो गाइस बहुत फाड़ू गर्मी हो रही है, मतलब इतनी धूप लग रही है ना, क्या बताऊं, वही बारिश का मौसम चल रहा है, बट यूपी में बारिश ही नहीं हो रही है यार। और मतलब ऐसा चेट रहा है ना कि क्या बताऊं आपको। और ये हमें पैदल चला रहे, ये भाई हमें ले गया था कंस किला। पानी पूरी, अरे बाप रे मैं खाता नहीं हूँ खट्टा यार, खट्टा पसंद ही नहीं है। तो देखिए यहाँ सब निकल रहे हैं, परमहंस आश्रम क्या बना खूबसूरत यार। हाय हाय, जय श्री कृष्ण, बहुत ही अच्छा बना यार। आगे आप चढ़ोगे ना प्रेम मंदिर ले जाऊंगा, क्या मजा आएगा प्रेम मंदिर में घुमाऊं। राधे 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 राधे। इंडिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो वृंदावन की नगरी में नहीं आया होगा, है ना, ठाकुर जी के पास नहीं आया होगा वो। बाके बिहारी राधे राधे। देखिए ये भाई याद हो गया, क्या बात है। गाइस फाइनली हम मतलब वृंदावन आ चुके हैं, ठीक है। वृंदावन तो कब से आ चुके थे बट अभी पैदल चल रहे हैं धर्मशाला के लिए। और ये जो गली आ चुकी है इसे वृंदावन चौक कहा जाता है, श्री बाके बिहारी मार्ग। तो ये देखिए बिहारी मार्ग आ चुका है, और इधर से ही इस तरफ बाके बिहारी का मंदिर भी है। किस तरफ है रोशन? बाके बिहारी का मंदिर, बाके बिहारी मंदिर यहाँ से सीधे है, पर अभी हम रूम चलते हैं यार, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, लेट जाएंगे। तो चलिए तो वृंदावन की गलियों में जी हम आ चुके हैं कि मुस्कुराइए कि हम यूपी में हैं, तो मुस्कुराइए कि हम वृंदावन पहुँच चुके हैं श्री कृष्ण की नगरी में। धूप बहुत है यार, बहुत थक चुका हूँ यार। और फाइनली हम ये धर्मशाला आश्रम लिखा हुआ है श्री बालाजी यात्री निवास, इधर चलते हैं यार। भयंकर हालात ख़राब हो चुकी है, पानी वानी पी रहे गाइस। बड़ा सुकून लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, क्या बता नहीं सकता हूँ यार। तो गाइस बहुत चलाया रोशन ने यार, इतना चलाया कि थक गया मैं, इतना भारी बैग भी है मेरे पास। और आप लोग जानते हैं कि मैं बैग लेकर चलता हूँ तो बहुत ही भारी रहता है यार। मेरी स्टिक में से ये निकल चुका है यार गाइस, और मुझे अभी लगाना पड़ेगा। भाई मज़ा आ रहा है ना चल के, अब नींद आ रही गाइस। और ये देखो इसको, ये इसने हमें खूब चलाया, ये बंदाज 5-5 मिनट करके गाइस, इतना समय हो चुका है ना कि क्या बताएं आपको। मतलब हालत आप लोग देख ही रहे होंगे कि कैसी ख़राब हो रही हालत, बट कोई नहीं, हारे के सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। और श्री कृष्ण की नगरी में आए वृंदावन में तो सारी थकान मिटी जाएगी। और अभी आश्रम में आ चुके तो आप देखते हैं फिर कितने का रूम मिलता है, ठीक है, फिर बताते हैं आपको। तो फाइनली गाइस हमने यहाँ पर रूम ले लिया है, और हमारा रूम सामने की तरफ देखिए, अब वो भी गेट खुला हुआ है, हमने देखा है, ठीक है। अभी तो देखते हैं कितने का रूम रहता है। देखो भाई एंट्री कर रहा है अभी आधार कार्ड की, तो अगर फिर भी जाएंगे तो आपका वोटर आईडी प्रूफ तो लेके ही जाएंगे। और ये आता ही रहता है यहाँ पर, ठीक है।
अरे त्रिपाठी, त्रिपाठी नाम सुना होगा आपने। कौन सी सीरीज में? मिर्जापुर में त्रिपाठी, तो वही त्रिपाठी है आप। तो ये धर्मशाला में रहते हैं, यहीं पर ही आश्रम है। क्या नाम आश्रम का? बालाजी, बालाजी यात्री, बालाजी यात्री निवास आश्रम के पास। अच्छा, फोगला आश्रम। अच्छा, फोगला आश्रम के पास वृंदावन। तो गाइज यहाँ पर मैक्सिमम कितने से शुरू होता है? 500 से 1500। तो मैक्सिमम 500 रुपये से शुरू होता है और 1500 रुपये तक रूम है आप, और एसी नॉन एसी दोनों रूम है यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। और काफ़ी अच्छी सुविधा है, पानी की सुविधा है, पानी पीने के लिए देखिए ये फ्रीज रखा हुआ है यहाँ पर, तो आप पानी पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पहचान के, मतलब पहचान के रोशन हमेशा आता रहता है ना, रोशन आता रहता है, कई बार आता है ना। तो चलिए गाइज अभी हम आराम रेस्ट करते हैं, फिर रूम में चलेंगे, फिर बताएंगे आपसे क्या बात होती है। ठीक है दोस्त, राधे राधे। तो आप लोग भी अगर वृंदावन आए तो ये बहुत अच्छी मतलब धर्मशाला है, तो आप इस आश्रम में रह सकते हैं। तो गाइज फाइनली रूम ले लिया है, और रोशन इधर आओ। ये रोशन आगे आगे भग रहा है, इसने एक तो खूब पैदल भी चलाया। राधे राधे। रूम का मचमच हो गया भाई, हमें रूम हमारा फेवरेट रूम है, इसके लिए मैं बोला कैसे भी करके तो ये रूम दिला भाई। तो देखिए ये फेवरेट रूम है, 4 साल से आ रहा हूं इसी रूम में, 4 साल से ही आ रहे हैं इसी रूम में, बहुत यादें जुड़ी है इस रूम से। देखिए राधे राधे ये आ चुके हैं। ये रूम छोटा सा रूम है बट बहुत यादें जुड़ी हुई है और काफी अच्छा है गाइस। और गाइस हमें अभी कंप्यूटर से निकाल के रख लेते हैं। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं, और क्या हो गया, किसने अंदर किया? तो चलिए गाइस हम रूम में आ चुके हैं, और अब थोड़ा सा नहाएंगे धोएंगे, फिर फ्रेश होएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर घूमने निकलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मतलब मेरे टीम को सुनारते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। गाइस अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इतने लाइक कर दीजिएगा मतलब कि सबसे बड़ा यूट्यूबर बनना है, तो आपको पता नहीं कैसे बनूंगा। ठीक है गाइस, ओके बाय, फिर मिलते हैं।